इसके अलावा बनीघाट इस बार एक और जो हिमाचल सरकार की या केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एक योजना है अमृत सरोवर, वो भी लागू कर रहा है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 73 बन सरोवर या अमृत सरोवर जो हैं वो बनाए जाएंगे। इस कड़ी में हमीरपुर में हम 4 जो अमृत सरोवर हैं वो बना रहे हैं, बाकी जो अमृत सरोवर हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, पंचायती राज है, वो कर रहे हैं। इसके साथ ही ऊना में हम लोग 8 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अमृत सरोवर के नाम से बनाए जा रहे हैं और 15 अगस्त तक ये कंप्लीट करने हैं। और 15 अगस्त को हर एक जो अमृत सरोवर है उसका उद्घाटन वहाँ के स्थानीय जो 75 साल का कोई बुजुर्ग आदमी होगा उसके हाथों से उसका उद्घाटन कराएंगे। और ये काम भी हमारा जो है वो अब अंतिम स्टेज पे है। लगभग हमारे 8 स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और 4 स्ट्रक्चर जन का काम जो 80% से ऊपर हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 जुलाई तक हम ये अमृत सरोवर का काम है ये भी पूरा कर लेंगे। वो एक कमेटी बना के जहाँ जहाँ फिजिबल है वो साइट इंस्पेक्ट की और उसके ऊपर जो पानी रोकने के लिए चाहे अर्दन डैम है, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है या पॉन्ड है, जैसी साइट है उसके हिसाब से बनाए जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी पानी बारिश से गिरेगा उसको रोकना है और जब जरूरत होगी उस पानी को यूटिलाइज करना है। वहाँ सर एक पहले तालाब भी बना हुआ था अरे अच्छा अच्छा सोपर जो बनाया ये हिम अकेडमी स्कूल के पास, और ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। लोग वहाँ जाना शुरू हो गए हैं, उसके पास बनाया है ये नेरी में। ये पहले काम करने से पहले का, ये काम करने के दौरान और ये बाद में जो स्ट्रक्चर बन गया वो अब 3 टाइप के, तो ये बरसात से पहले के पानी पड़ा इकट्ठा हो।